हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग फिजिक्स क्लासेस। आज हम फिर से करने वाले हैं सीटेट की तैयारी, जो हमारा टारगेट है। तो उसके लिए एक नया चैप्टर, नया टॉपिक हम लेकर आए हैं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखिए, हमारा टारगेट जो है वो क्या है, सीटेट 2003 लेवल 2। और ये जो साइंस में आपको करवाने वाली हूँ, ये ऑल टीजीटी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगी। जो टीजीटी एग्जाम जैसे कि डीएसएसबी है, आप उसकी तैयारी भी करना चाहते हैं, तो जो नोट्स आप मेरे वीडियोस से बनाएंगे वो आपके लिए आगे के लिए भी बेनिफिट रहेंगे। डीएसएसबी की वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है, और इसके साथ ही जो जनरल साइंस पूछी जाती है अक्सर एग्जाम्स में, ठीक है, उस जनरल साइंस में भी क्या होगा, जो साइंस में आपको करवा रही हूँ वो बहुत बेनिफिट रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। सॉरी, द सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर इज 7। सो लेट्स गो फॉर इट। सबसे पहले एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। मोशन एंड मेजरमेंट हमारा हो चुका है, मोशन एंड टाइम हो चुका है, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन जो कि तीनों क्लासेस में था, तो ये भी हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और इसके साथ ही हम साथ में करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये तीनों जो चैप्टर्स हैं ये कंटिन्यूअसली पूरे हो जाएंगे 4-5 लेक्चर्स में, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है। इन तीनों में से कम 3-4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में बहुत इजीली, ओके और हर बार आते हैं, ऐसा नहीं कि कभी आए कभी नहीं आए, हर बार क्वेश्चंस आपको इनमें से मिलेंगे। ये बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, तो ये बाकी एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, बाकी जैसे कि जनरल साइंस होगी, या फिर जैसे कि आप साइंस पढ़ेंगे लाइक डीएसएसबी के लिए, तो उसके अंदर भी आपके ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। तो अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से करना, लेट्स गो। सो टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए, सबसे पहले कंपोनेंट्स का मीनिंग समझ लेते हैं। जब भी कोई चीज हमारे पास होती है, ठीक है, वो जिन चीजों से बनी है हम उसको क्या कहते हैं, उसके कंपोनेंट्स। हम बात करें कि हमारा फूड किन चीजों से बना है, तो वो जो चीजें हैं वो क्या होंगी, उसके कंपोनेंट्स। तो हमारे फूड के अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली एक्चुअली 7 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से 5 न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ओके। और उसके साथ हमारे फूड के कंपोनेंट्स वाटर एंड रफेज भी हैं। तो मैंने इनको अलग क्यों लिखा है, अलग कलर से क्यों राइट किया है, वही बताती हूँ। ये जो चीजें हैं 5, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ओके। ये जो 5 हैं ये न्यूट्रिएंट्स हैं। वॉटर और रफेज हमारे फूड के कंपोनेंट तो हैं, बट न्यूट्रिएंट नहीं है, ओके। वॉटर एंड रफेज फूड का पार्ट तो है, बट उस न्यूट्रिएंट्स नहीं है। न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस फाउंड इन फूड दैट आर असेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडीज, ओके। तो मींस जो हमारे फूड को का इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जिनसे हमारी बॉडी को कुछ मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ओके। नाउ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज, तो ये वो न्यूट्रिएंट हैं विच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड एनर्जी एंड एवरीथिंग वी नीड एक्चुअली, मोस्ट ऑफ देम। द 3 प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स।
ये जो है ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हुए वो हम करेंगे अभी। उससे पहले हम समझ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में कुछ। जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये ब्रेक डाउन होते हैं इनटू ग्लूकोज, विच इज यूज्ड बाय सेल्स फॉर फ्यूल, मींस एनर्जी के लिए किसका यूज किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और इनका जो ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में ड्यूरिंग डाइजेशन, किसमें होता है? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है प्रोटीन, एसेंशियल फॉर ग्रोथ। प्रोटीन चाहिए हमें ग्रोथ के लिए। देखिए एक बेबी है वो छोटा है, धीरे धीरे उसको बड़े होना है, तो उसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स। आपको चोट लग जाती है, इन दैट केस ऑल्सो आपको आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स। टिश्यूज टूटते फूटते रहते हैं तो उनकी मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन्स। सो यहाँ मैंने लिखा हुआ है मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज। इसके पास है एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, हमें क्या चाहिए? प्रोटीन्स। हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन्स। आफ्टर दैट है फैट। फैट भी एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोटेक्शन फॉर द ऑर्गन्स। देखिए आपने देखा होगा कि लाइक आपकी जो आर्म्स हैं, आर्म्स के ऊपर स्किन है, स्किन कुछ लोगों की मोटी होती है, लाइक इन द सेंस वो थोड़े फैटी होते हैं, तो क्या कहते हैं हम उनकी बॉडी में, क्या एक्स्ट्रा है? फैट। तो जो फैट होता है वो हमारे टिश्यूज के अंदर हमें क्या प्रोवाइड करता है? इंसुलेशन और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है दे ऑल्सो एड इन अब्सॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। जो विटामिन्स फैट सोल्यूबल हैं उनको अब्सॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? फैट्स हेल्प करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है? माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए हम उनको क्या कह देते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, बट दे आर स्टिल क्रूशियल फॉर आवर बॉडी। ओके, चाहे हमें ये स्मॉल अमाउंट में चाहिए बट स्टिल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके अंदर कौन कौन से होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर विटामिन्स एंड मिनरल्स। थोड़ा हम अब विटामिन्स के बारे में जान लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। जो मेन बात है वो क्या है? ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चाहिए। इम्यून फंक्शन, विजन, एनर्जी प्रोडक्शन, बॉडी की हर फंक्शनिंग में विटामिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, तो विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, इम्यूनिटी, इन सब में विटामिन्स का बहुत अहम रोल है। इसके बाद आ जाते हैं मिनरल्स। दीज आर इनऑर्गेनिक एंड दैट प्ले रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शंस। ये भी हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इस न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी में उनकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। एक्चुअली ये क्या होते हैं? फूड के अंदर हम टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फूड खाते हैं, ठीक है, तो उस फूड में कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या नहीं है, इसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, वो हम यूज करेंगे आगे। तो विद सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर द कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रीडियंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, मीन्स किसी भी फूड आइटम में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं और उनको क्या बोल देते हैं? टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये टेस्ट बहुत सिंपल होते हैं कुछ टेस्ट करने, तो 6th 7th क्लास में वो करवा दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं, ये हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ फूड के डिफरेंट फंक्शन, और उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उनके सोर्सेज के बारे में। सबसे पहले और एक इम्पोर्टेंट, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स, इसलिए दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप भी शॉर्ट में लिखिए, लंबी लंबी लाइंस लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है।
सीटेट या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमें शॉर्ट में ही नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं ये, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो जिन फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। इसके बाद आ जाता है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्सेज मैंने यहाँ कुछ राइट किए हैं, इसके बाद हमने डिटेल में भी डिस्कस किए हुए हैं सोर्सेज। तो सोर्सेज क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के? जनरली अनाज होते हैं, जैसे राइस, ये व्हाइट नहीं होगा, मिस्टेक है, व्हीट, पोटैटो, बनाना, ब्रेड, मेज, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ओके, मेन कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ मिलते हैं? ग्लूकोज में, शुगर में और स्टार्च की फॉर्म में। ओके, इसके बाद है ग्लूकोज, ये भी एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसका बेनिफिट क्या होता है? देखिए, जब आप बीमार हो जाते हैं इन दैट केस आपको ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, इसको यूज करते हैं जब कोई बीमार होता है। टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट या किसी भी न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो क्या है, कौन सा है, उसका नेम क्या है। कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के लिए किया जाता है आयोडीन टेस्ट। मेन कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन अवर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। ओके, करते कैसे हैं टेस्ट? देखिए, टेक सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और एनी रॉ इंग्रेडिएंट। हमें क्या करना है, जिसमें हमें चेक करना है वो फूड आइटम ले लेनी है, उसका एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है और उसके ऊपर 2 to 3 drops ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है और हमें क्या करना है, उसके कलर में जो चेंज है उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, अगर कलर चेंज हो जाए, ब्लू ब्लैक हो जाए, इट मींस उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है और मींस कार्बोहाइड्रेट है, और अगर वो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं करता, इट मींस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। ओके, और स्टार्च भी प्रेजेंट नहीं है, तो हमारी बॉडी में एक्चुअली जो मेनली कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्च लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स भी क्या है? एनर्जी गिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं, इनको एनर्जी बैंक भी कहा जाता है। तो एक नया वर्ड हम यूज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, एनर्जी बैंक कौन है? फैट्स। मोर एनर्जी होती है इनमें, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी होती है, बट स्टिल कार्बोहाइड्रेट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और फैट्स कम लेने को कहा जाता है, जस्ट बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डाइजेस्टेड इजिली। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इजिली डाइजेस्ट हो सकते हैं। एक्सेस फैट, जो भी हम ज्यादा फैट खाते हैं हमारी बॉडी की जरूरत से ज्यादा, वो स्टोर हो जाता है अंडर द स्किन एंड एक्ट एज हीट इंसुलेटर एंड कुशन। ओके, जैसे हमारे गालों पे, चीक्स में, और हमारी आर्म्स पे और थाइस पे, इन सब जगहों पे फैट स्टोर होता है जनरली, और बॉडी के अदर पार्ट्स में, स्टमक के ऊपर भी होता है कईयों के, जिसको हम बोल देते हैं तोंद बाहर आ गई है, तो ये भी क्या होता है, फैट स्टोर होता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ फैट्स। फैट्स के जो सोर्सेज हैं वो एनिमल भी से भी हो सकते हैं, मीन्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, और नेक्स्ट क्या है, जो हमें प्लांट से मिलते हैं। एनिमल से जो मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सेचुरेटेड फैट्स, जो प्लांट से मिलते हैं हम उनको बोल देते हैं अनसेचुरेटेड फैट्स। और जो एनिमल्स वाले होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, एग्जाम्पल है इसके बटर, घी, मिल्क, चीज, एग, और जो प्लांट्स वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड तिल, बालसम बोलते हैं जिनको। तो जो तिल होते हैं वो भी हमारे फैट्स का सोर्स है। नेक्स्ट है फैट्स की प्रेजेंस का टेस्ट कैसे चेक किया जाता है। आपको इसका नेम याद रखना है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, एक्रोलिन टेस्ट। इसका जो मेन फीचर है वो क्या है, एन ऑयली पैच ऑन द पेपर। देखिए जनरली क्या होता है, जब हम कोई पेपर लेते हैं उसके ऊपर अगर ऑयल की ड्रॉप गिर जाए तो क्या होगा, पेपर ऑयली ऑयली नजर आएगा, वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, उसके आर पार दिखने लगेगा कुछ कुछ आपको,
तो उसी को हम यूज करते हैं एज अ टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ द फैट्स। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम की एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है या रॉ इंग्रेडिएंट लेना है जिसमें आप चेक करना चाहते हैं, जैसे कि पीनट ले लिया या कोई फ्राइड फूड ले लिया, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज हम खाते हैं, तो हमें क्या करना है, इसको रैप इट इन द पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। इसको हमें क्या करना है, पेपर के अंदर लपेटना है और उसको क्रश करना है, और इतना ध्यान रखना कि पेपर फटे नहीं। उसके बाद इसको निकाल देना है और हमें क्या करना है, पेपर को लेना है और फिर उसको ऑब्जर्व करना है या फिर उसको लाइट के अगेंस्ट उसको ऊपर करके देखना है, ठीक है। तो अगर हमें ऑयली पैच दिखाई दे, इट मींस फूड आइटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको, चलते हैं आगे। बट इसका नेम याद रखना है एक्रोलिन टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के लिए है आयोडीन टेस्ट, और फैट्स की प्रेजेंस के लिए एक्रोलिन टेस्ट या फिर ऑयली पैच ऑन द पेपर। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जनरली जो पूछा जाता है वो कैसा क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग कॉम्पोनेंट्स, और फूड्स रिच इन प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड डैश दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इट फॉर्म्स द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड रिपेयर्स द सेल, इट हेल्प्स इन ग्रोथ, मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। ये आपको याद रखना है, प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड से। हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड, तो आपको क्या याद रखना है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। इसके बाद है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सबके लिए सेम नहीं होती, डिपेंड करती है एज पे, जेंडर पे एंड हेल्थ कंडीशंस पे। देखिए जो एक बच्चा है छोटा, उसके ग्रोथ का टाइम है, तो उसको क्या चाहिए, मोर प्रोटीन एज कंपेयर टू एन एडल्ट जिसकी ग्रोथ इस टाइम नहीं हो रही है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन दोनों टू टाइप्स के हो सकते हैं, एनिमल प्रोटीन भी हो सकता है मींस जो एनिमल से मिले, एंड प्लांट प्रोटीन भी हो सकता है मींस जो प्लांट से मिले, मीट, फिश, एग्स, मिल्क, चीज, ये हमें एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन है। प्लांट प्रोटीन कौन कौन से हैं, ड्राई फ्रूट्स, बीन्स, पल्सीज, दालें। ये जो प्रोटीन का सोर्स है, ये मोस्ट कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मेन सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन इट इज पल्सीज। नेक्स्ट इज लाइक सोयाबीन, ग्राम मीन्स चने, पीस मटर। ओके, इसके बाद है टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन किसी फूड आइटम में प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, बायरेट्स टेस्ट। ये नेम हमें याद रखने हैं, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इट इज बायरेट्स टेस्ट। लेट्स सी करना क्या है, सेम वही, सबसे पहले तो क्या लेंगे, सम क्वांटिटी लेंगे फूड आइटम की फॉर टेस्टिंग, उसको ग्राइंड करेंगे या मैश करेंगे उसकी स्मॉल क्वांटिटी को, पुट दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, इसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे, शेक करेंगे, हिलाएंगे उसको, थोड़ा डिजोल्व करेंगे कि वो सॉफ्ट हो जाए। अब उसके अंदर 2 ड्रॉप्स डालेंगे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की, और 10 ड्रॉप्स डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टेस्ट ट्यूब के अंदर। इसको अच्छे से हिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए उसको करेंगे, कहीं छोड़ देंगे या उसको मतलब रहने देंगे ऐसे का ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर कलर वायलेट हो जाए उसको ऑब्जर्व करेंगे, और अगर कलर वायलेट हो जाए तो वायलेट कलर क्या इंडिकेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। तो जो मेन चीज है आपको याद रखनी है, जब प्रोटीन टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले टेस्ट का नाम क्या है, बायरेट टेस्ट। उसके बाद है उसके अंदर जो सॉल्यूशन यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, और कलर जो टर्न होना चाहिए दैट इज वॉयलेट। अगर वॉयलेट में टर्न हो जाए उसका कलर, देन इट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेस,
विटामिन्स और मिनरल्स दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वी हैव टू कीप इन माइंड दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो इनका काम क्या होता है? दीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल, सो दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इसके बाद है विटामिन्स, टू टाइप्स के होते हैं, वॉटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वैसे विटामिन्स के जो नेम्स हैं वो बहुत सारे हैं, एक्चुअली टाइप्स लाइक ए बी सी डी ई के, बट ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी ये टू टाइप्स के हैं, मीन्स वॉटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। तो जो बी एंड सी विटामिन है, बी सी विटामिन्स, ये वॉटर में सोल्यूबल हैं, और विटामिन ए डी के ई ये चार फैट में सोल्यूबल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स को वन बाय वन। सबसे पहले है विटामिन ए, इट कीप्स अवर स्किन एंड आईज हेल्दी। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हमारी स्किन और आईज के लिए। इसके बाद है सोर्सेस। सोर्सेस क्या क्या है विटामिन ए के? ऑरेंज एंड येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिनका कलर ऑरेंज हो, वाइब्रेंट ऑरेंज मीन्स चमकदार ऑरेंज एंड येलो हो, उनके अंदर ज्यादातर बीटा कैरोटीन एंड विटामिन ए हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और कुछ एग्जाम्पल हैं इनके, कैरेट्स, स्वीट पोटैटो, पम्पकिंस, मैंगो एंड ऑल्सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सच एज स्पिनच, इनमें भी विटामिन ए हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद आ जाता है विटामिन बी, इट हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट और मेक एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। विटामिन बी का फंक्शन क्या है? जो भी फूड आप खाते हैं उसमें से आपको एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने में, एनर्जी लेने में हमें हेल्प करता है विटामिन बी। इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? मीट, स्पेशली लीवर, सी फूड, पोल्ट्री एग एंड एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीड्स। सीड्स मीन्स लाइक जो बीज होते हैं जो हम खाते हैं, जैसे कि चने, इनमें भी विटामिन बी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी का मेन फंक्शन क्या है? विटामिन सी हेल्प्स द बॉडी टू फाइंड फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस, ऑल्सो इट मेंटेन्स हेल्दी स्किन, ब्लड वेसल्स, बोन्स एंड कार्टिलेज। इसको कहते हैं क्या है? इसका एक अदर नेम है ऑल्सो नोन एज एस्कोर्बिक एसिड। और ये प्रेजेंट होता है, इसके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? सिट्रस फ्रूट्स, टमाटो, पटेटो, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, स्वीट पेपर्स, लाइक दिस। जनरली जो माना जाता है ना इसका सोर्स, वो क्या है? खट्टे फ्रूट्स मीन्स सिट्रस फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हमारे जनरली खट्टे होते हैं, जैसे लेमन, उसमें भी विटामिन सी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंगो, मैंगो में भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद आ जाता है विटामिन डी, ये भी इम्पोर्टेंट है, हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो भी हम कैल्शियम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और जो कैल्शियम उनके अंदर होता है उसको यूज करने में। जो भी हम फूड खाते हैं कैल्शियम रिच फूड, उसमें से कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में, डाइजेस्ट करने में हमें कौन हेल्प करता है? विटामिन डी। और उसका मेन सोर्स क्या है? सनलाइट, मेन एंड फ्री सोर्स सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी जो बॉडी है वो विटामिन डी फॉर्म करती है बहुत हाई अमाउंट में। ओके, इसके बाद है एग। एग भी विटामिन डी का सोर्स है। इसका फंक्शन क्या है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स। देखिए, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो बोन हेल्दी नहीं रहेंगी, बट कैल्शियम हम कब ले सकते हैं? जब हमारी बॉडी में विटामिन डी हो। एंड टीथ, रेगुलेटिंग इंफ्लामेशन एंड इम्यून फंक्शनिंग। इम्यून फंक्शनिंग के लिए भी विटामिन डी की इंपॉर्टेंस है। अब विटामिन डी एक्चुअली कोई विटामिन नहीं है, इसका नेम चाहे विटामिन है बट इट इज नॉट अ विटामिन, इट इज अ हॉर्मोन और प्रो हॉर्मोन। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए।
प्लीज रिमेम्बर, विटामिन डी इज नॉट एक्चुअली अ विटामिन बट अ हॉर्मोन और प्रो हॉर्मोन। नेक्स्ट, अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ वेरियंस न्यूट्रिएंट्स। जो हमने पहले रीड किए वो काफी हैं, बट स्टिल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एग्जाम में जब डीप क्वेश्चन आ जाता है जैसे डीएसएसबी वगैरह में, तो हमें इसकी जरूरत रहेगी। तो अभी से तैयारी कर लेते हैं। सोर्सेज ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रेन्स मीन्स अनाज, फूड आइटम सच एज राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, ओट्स, बार्ले, कॉर्न, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में रिच है। इसके बाद आ जाता है कुछ फ्रूट्स जैसे कि बनानास, एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, बेरीज एंड मेलन्स, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में रिच है। इसके बाद आ जाती हैं वेजिटेबल्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पीस, कॉर्न, ये सब भी रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके बाद आ जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क एंड योगर्ट, ये भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट के। इसके बाद अब बात करते हैं फैट्स की। फैट्स टू टाइप के होते हैं, जैसे बताया था आपको एनिमल फैट एंड प्लांट फैट। एनिमल फैट का एग्जाम्पल है यहाँ पे बटर, चीज, होल मिल्क एंड एग्स। ऑयल्स की बात करें, जनरली जो प्लांट से मिलते हैं तो वेजिटेबल ऑयल्स, ओलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सीसेम ऑयल, ये जो ऑयल्स हैं वो जनरली सोर्स होते हैं फैट्स का। नट्स एंड सीड्स, ऑलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, केश्यूज, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड, ये सब क्या है, फैट का रिच सोर्स है। इसके बाद आते हैं फैटी फिशेज जैसे कि सालमन, मैकरल, सार्डाइन, ट्राउट एंड हेरिंग। नेक्स्ट है बटर एंड मार्गरीन, सैचुरेटेड एंड चर्निंग क्रीम, फैट्स, वेजिटेबल ऑयल, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, चीज, योगर्ट, क्रीम, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज हैं फैट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। ये हमने पहले भी कर लिए थे, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, रिविजन हो जाएगी। मीट एंड पोल्ट्री, फिश एंड सीड्स, टोफू एंड सोय प्रोडक्ट्स, नट्स एंड सीड्स, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ विटामिन। विटामिन ए के सोर्सेज हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, अब फिर से कर रहे हैं डिटेल में। एनिमल लीवर एंड फिश, डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो मिल्क, चीज एंड योगर्ट, एग्स में एग योक, ऑरेंज एंड येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टमेटोज। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के भी देखिए बहुत सारे टाइप होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। B1 मिलता है सोय मिल्क और वाटरमेलन में, B2 मिलता है मिल्क, योगर्ट, चीज, होल ग्रेन्स एंड सीरियल्स में। उसके बाद ये कुछ सोर्सेज हैं B3 के, आफ्टर दैट इट इज B5, B6। ये सोर्सेज राइट क्यों है, B6 में जैसे मीट, फिश, पोल्ट्री, लेग्यूम्स, टोफू, सोय प्रोडक्ट्स, अगेन बनानास। B7 मिलता है होल ग्रेन्स में, एग्स में, सोयाबीन्स में, फिश में। B9 मिलता है फोर्टिफाइड ग्रेन्स में, सीरियल्स में, एस्पेरेगस, स्पिनच, ब्रोकली, लेग्यूम, ऑरेंज जूस। B12 के लिए सेम वही इनमें से ही कुछ आए हुए, मीट, पोल्ट्री, फिश एक्सेट्रा। विटामिन सी के जो मेन सोर्सेज हैं, खट्टे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज, कीवी, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, बेल पेपर्स, टमेटोज, लीफी ग्रीन्स, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, पपाया, गुआवा। नेक्स्ट है विटामिन डी, सनलाइट तो बता ही दिया था। उसके बाद है कोड लीवर ऑयल, फैटी फिश, एग योक्स, मशरूम्स। विटामिन ई के कुछ सोर्सेज हैं फिर से, नट्स एंड सीड्स, वेजिटेबल्स एंड ऑयल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट बटर, फोर्टिफाइड सीरियल्स, एवोकेडो इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई, वीट जम, फिश एंड सी फूड। नेक्स्ट है विटामिन के, इसके कुछ सोर्सेज कौन कौन से हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, फिर से फ्रूट्स, एनिमल बेस्ड सोर्सेज, वेजिटेबल ऑयल्स, फर्मेंटेड फूड्स। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स भी हमारे फूड का इंपॉर्टेंट पार्ट हैं,
ये हमें बचाते हैं डिसीजेस से, ये भी बिल्कुल हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। वाई? बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं, सोर्सेस उनके ही डिस्कस किए हैं। सबसे पहले है आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, आयोडीन फोर्टिफाइड फूड, सीवीड, कैल्प एंड एग्स। इसके बाद है सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोन्स के लिए, मीट एंड पोल्ट्री, सी फूड, एग्स, लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स। इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आएगा, डार्क चॉकलेट एंड होल ग्रेन्स। इसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के सोर्सेज क्या क्या हैं? नट्स एंड सीड्स, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फिश, लेग्यूम्स, फिर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, डार्क चॉकलेट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद का टॉपिक जो है, देखिए अब तक हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें से कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने पढ़ा कि 5 तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और 2 अलग कंपोनेंट होते हैं, वाटर एंड रफेज। उसके बारे में हम उसके बाद हमने एक एक करके डिस्कस किए जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड थे, न्यूट्रिएंट्स को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट, विटामिन, प्रोटीन, उनके सोर्सेज को भी, मिनरल्स भी हमने डिस्कस किए। अब अगर हमें ये न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में नहीं मिलते तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसी डिसीजेज जो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो, मींस न्यूट्रिएंट्स अगर हमारी बॉडी को ना मिले तो उस वजह से अगर डिसीज हो जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज। तो द डिसीजेज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेज। एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन मतलब अगर हमारी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलता प्रॉपर अमाउंट में, तो उस केस में जो बीमारी होगी उसका क्या नाम होगा, इट इज क्वाशियोर्कर। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाते हैं, बहुत नॉर्मल है इनका आना, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा। द डिसीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड क्वाशियोर्कर। और जनरली जो इसके सिम्टम्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिसीजेज, डायरिया, ये सब। इसके बाद आ जाता है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कमी से मींस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन तीनों की कमी जब हो जाएगी एक साथ तो कौन सी डिसीज होगी, मैरेस्मस। ये भी बहुत नॉर्मल है, पेपर में आना अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हम कुछ डिस्कस करेंगे विटामिन मिनरल्स की कमी से होने वाली डिफिशियंसी डिसीजेस। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से जो डिसीज होती है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। उस डिसीज को हम क्या क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और एग्जाम मतलब इसमें होता क्या है, लॉस ऑफ विजन। किसी भी पर्सन को जनरली उसमें दिखाई नहीं देता, स्पेशली डिम लाइट में या जब रात को लाइट कम हो जाती है उस केस में उसको दिखाई नहीं देता। विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है, बेरी बेरी। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, इंसान को अक्सर थकावट महसूस होती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या डिसीज हो जाती है, कौन सी, इट इज स्कर्वी। स्कर्वी के जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं, ब्लीडिंग गम्स, मींस जो हमारे जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो कैसे हो जाते हैं, उनमें से अक्सर ब्लीडिंग होती रहती है और वो वीक हो जाते हैं, जिससे फिर दांतों को भी नुकसान पहुंचता है। और अगर आपके वाउंड्स मींस जो घाव हैं भरने में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, इट मींस आपको कमी है विटामिन सी की।
वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। आफ्टर दैट इट इज विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स की क्या सिम्टम्स हैं? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, मीन्स हड्डियां जो है वो मुड़ जाती हैं। इसके सिवाय अगर बात करें एडल्ट में, ये अक्सर बच्चों में होती है, अगर एडल्ट में बात करें तो इट इज ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी की कमी से एडल्ट में, या जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड एज पीपल, उनको क्या हो जाती है? ऑस्टियोपोरोसिस। अगर बात करें कैल्शियम की कमी की, तो कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है? बोन एंड टूथ डीके। जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं? डीके होने लग जाती हैं, खत्म होने लग जाती हैं। उसकी निशानी क्या है, सिम्टम्स क्या है? वीक बोन्स एंड दांत डीके होने लग जाते हैं, दांत सड़ने लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या डिफिशियंसी हो जाती है, क्या बीमारी हो जाती है एक्चुअली? दैट इज गोइटर। आयोडीन की कमी से हो जाती है गोइटर। गोइटर में होता क्या है कि जो नेक है, नेक के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन। मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, बच्चों का माइंड स्लो हो जाता है। और अगर बड़ों की बात करें तो उनकी जो गर्दन है वो क्या हो जाती है? फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है उसमें। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया। एनीमिया का जो सिम्टम है दैट इज वीकनेस एंड पेलनेस इन द बॉडी, मीन्स पीला पीला जो है फील होता है बॉडी। चलिए आज के लिए इतना ही, हमने रीड कर लिया है कंपोनेंट ऑफ फूड्स। जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड टॉपिक है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। इसमें एक टॉपिक और आ जाता है छोटा सा, दैट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? एक ऐसी डाइट जिससे हमारी बॉडी की सारी न्यूट्रिशनल नीड्स, हमारी प्रॉपर हेल्थ के लिए जितनी भी नीड्स हैं वो सारी पूरी हो जाएं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, रफेज, ये सब सही अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, अब रफेज का क्या रोल है ये और कर लेते हैं जो रह गया थोड़ा सा। रफेज देखिए, रफेज इज अ कंपोनेंट ऑफ फूड बट नॉट अ न्यूट्रिएंट। तो इसका रोल क्या है? इट हेल्प्स इन प्रॉपर बाउल मूवमेंट, मींस जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो पेट है, जो भी पार्ट्स हैं वो उनका प्रॉपर मूवमेंट हो सके, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रफेज। वाटर किस लिए चाहिए? वाटर चाहिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, हमारी बॉडी की प्रॉपर वर्किंग के लिए, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? वाटर। अब कर लेते हैं एक PYQ, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज होती है? लॉस ऑफ विजन। देखिए ये सीटेट का क्वेश्चन है, और कैसे बिल्कुल क्लियरली एनसीईआरटी में से उठाया हुआ है। विटामिन बी की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और आयरन की कमी से क्या कौन सी डिसीज हो जाती है? एनीमिया। तो ढूंढते हैं एक सही ऑप्शन, डी का जो हमारा आंसर है दैट इज सेकंड। तो इन तीनों में से एक रहेगा, सी का है, विटामिन सी का थर्ड, स्कर्वी। ओके, अब इसमें भी यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब देखते हैं बी के लिए, विटामिन बी के लिए है बेरी बेरी फिफ्थ, वो किसमें है? इसमें। तो यहां से हमें हमारा आंसर मिलने लगा है कि ये हमारा आंसर है, ए का है फोर्थ, लॉस ऑफ विजन। तो हमारा आंसर हो गया ये वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ये सीटेट का ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे सिंपली उठा के आया हुआ है, बहुत इजी सा था ये, बट इसके लिए आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, बिना पढ़े एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं फिर से, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्स इज अ विटामिन विच इज फैट सोल्यूबल एंड हेल्प्स इन कीपिंग स्किन एंड आईज
हेल्दी, वाई रिप्रेजेंट्स द फूड आइटम्स रिच इन दिस विटामिन, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। देखिए, स्किन को हेल्दी रखने में कौन हेल्प करता है और उसका सोर्स है। सबसे पहले देखिए सोर्स में क्या दिया हुआ है, सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स विटामिन ए का तो सोर्स है ही नहीं, सिट्रस फ्रूट्स किसका सोर्स है, विटामिन सी का। सेम वे में सिट्रस फ्रूट्स विटामिन डी का सोर्स नहीं है, वो विटामिन सी का सोर्स है। और विटामिन डी का सोर्स कौन था, सनलाइट। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इसके साथ आ जाता है विटामिन ए, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या है, सोर्स है, सॉरी, ये क्या करता है, स्किन को हेल्दी रखता है। और फैट सोल्यूबल की बात थी तो ये फैट सोल्यूबल था, और इसका सोर्स कौन है, येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स। जैसे कि कैरेट। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ, विटामिन ए एंड येलो फ्रूट्स। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट यूज हुआ है फैट सोल्यूबल का, तो ये नॉर्मल है ना, विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्यूबल है, ए डी ई एंड के फैट सोल्यूबल है, तो ये आपको याद रखना है। आई होप ये आपको क्लियर है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारा कवर हो चुका है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्या करेंगे, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। चलिए चलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।